खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया से है, जहां पुलिस ने 2 मार्च को हुई संतलाल की हत्या की गुत्थी सुलझा ली। कोरिया डीएसपी कविता ठाकुर ने बताया कि संतलाल की हत्या मामूली विवाद के चलते उसके ही दामाद पवन कुमार ने की थी। आरोपी पवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। 2 मार्च को थाना पटना अंतर्गत सूचना आई कि जो मृतक का पुत्र है सूर्या सिंह, उसने थाने में आकर के सूचना दी कि उसके पिता संतलाल, स्वर्गीय पिता मोहन जाति गोड़, उम्र 50 वर्ष की मृत हालत में उसका जो शव है घर में मिला है, तो उसमें मर्ग पंजीबद्ध करके अग्रिम जांच की गई। इस जांच में ये तथ्य आए कि पूछताछ में संदिग्ध कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी और पीएम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पे उसके जो दामाद है, दामाद का नाम है पवन कुमार, इसमें पूर्व में इसके जो मृतक है और दामाद के बीच में चोरी को लेकर के विवाद हुआ था और घटना दिनांक को भी जो इनका दामाद है घर पे गया था, इसी विवाद को लेकर के जो आरोपी है पवन कुमार द्वारा मृतक के साथ में जो खाट होता है, खाट का जो रस्सी होता है उससे बलपूर्वक उसके गले को दबाया गया, जिससे आरोप मृतक की मृत्यु हो गई। इसमें 24 घंटे के भीतर थाना पटना द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी जांच करके अपराध पंजीबद्ध करके आज आरोपी को रिमांड पर भेजा जा रहा है।